क्या कह रहे थे बाबू? यहाँ जो सरकार है बहुत लुच्ची सरकार है, किसानों को पैसा नहीं दे रहे। गन्ने का पिछले साल का 2 महीने का रुक रहा, 3 महीने का ही हो गया, 5 महीने फिर डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस पे ये बात नहीं करते, मुस्लिम पर बात करें और इनकी सुन रहा। आपकी ट्रॉली कहाँ है, कहाँ खड़ी है? मेरी ट्रॉली तो पर है जी ढेर। अच्छा, तो ये तो कुछ नहीं जी, तो जुबलेबाजी सरकार है, इतनी झूठ बोल रहा है इतना कोई नहीं बोलता। अच्छा, झुंझुना ये बजट में क्या दिया किसानों को, दिया कुछ बजट में भी कुछ नहीं है, झुंझुना घुमाऊ जाओ। क्या उम्मीद क्या थी बजट से इस बार के? बजट तो ये थे मैं एक्सपे कानून बनाते बना उन्होंने कानून जो 13 महीने इन्हें 1 महीना इन्हें 1 रात बैठा दी उन्हें सड़क पर, किसान 13 महीने बैठे रहे। अच्छा, या ये भी इनकी सरकार इतनी अच्छी है किसानों को 13 महीने क्यों बना के रखे, नहीं बना के नहीं रखने चाहिए था, देख चलते ये किसानों के हित ही बन गए, सारे कानून ला कर दे दिए। कौन सी मिल है यहाँ पे? शामली मिल है। शामली मिल क्या 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 चल रहा है उसका, इसका पेमेंट का हिसाब किताब? पेमेंट का तो पिछले साल का भी रह रहा, पिछले साल का इन्होंने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए, 5 रुपये साल, महंगाई कहाँ जा रही। एक मास्टर की 1967 में 70 रुपये तनख्वाह थी उसकी, 70,000 जान ली, और 76 रुपये का 1 कुंटल गेहूँ था, गेहूँ का भाव 2,000 रुपये कुंटल है, जबकि 76 लगा लो उसी हिसाब से चलो तो कहाँ जाता गेहूँ का भाव। ये जो राशन दे रहे हैं अगर किसान ना इन्हें दे ये कहाँ दे अपनी खाल बेच लगा दी ठीक। डामाडोल है, डामाडोल है। आपकी आपकी कौन सी विधानसभा लगती है? हमारी विधानसभा शामली है जी। शामली सदर। हाँ। क्या सर रहा 5 साल का कारोबार? जीरो रहा है। जीरो जीरो जीरो। कैसे जीरो? ये पेमेंट नहीं है गन्ने की, यहाँ खेती हो इसी का पेमेंट नहीं, फिर क्या यहाँ हीरो है जी, जीरो ही है। अच्छा, ब्याह नहीं कर सकते, कहाँ से लगा पैसा, उधार हमें मिल नहीं रहा कहीं से भी। अच्छा, तो जी मारा गन्ना उधार जा, हमें भी तो उधार दो, अगर हम खाद उधार लें इनसे तो ब्याज लगे, और हमारा जो 6 महीने रुक गया उसका तो ब्याज दे रहा, ब्याज तो देना चाहिए जी, हम ब्याज दें तो हमें देना भी चाहिए। 14 दिन में पेमेंट था प्रधान में देना, 14 दिन में पेमेंट जाएंगे वो नहीं रहा, 14 महीने लोग। अच्छा, तो पेमेंट तो देना चाहिए जी, हमने माल दे दिया पेमेंट की नहीं दुआ सरकार, धरना देगा तो सब काम हो जाए, धरना दोगे जी पैसा नहीं मिला। तो एक तो बस ये, एक और क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग तो ये है उसका कानून बराबर है, जो इन्होंने जहाँ 350 का रेट है गन्ने का, तो 350 ही खरीदते चाहे वो कोल्हू वाला हो चाहे कलेसर वाला हो, इससे कम की खरीद रहे। कोल्हू वाला कितने का खरीदता है? तो 270 खरीद रहा जी, 260-70 का खरीद रहा, तो 100 रुपये का तो यही नुकसान है, 100 रुपये का तो नुकसान यही है किसानों को, वहाँ दे रहे बेनगद देते हैं बस मजबूरी में, वहाँ पिट रहे हम। अच्छा, वो पैसे नगद देते ये नहीं देते हैं? ये नहीं देते, ये तो नगद नहीं देते, 4 दिन बाद देते हैं, देते 6 महीने तक भी। यहाँ पे कितना मतलब कितने दिन में पेमेंट मिल रहा है, मतलब कितने दिन में देते हैं और कितना गन्ना लेते हैं? नहीं, गन्ना तो पर्चियों पे है जी, जिसकी पर्ची है। नहीं, फिर भी कितना गन्ना ले लेते हैं एक किसान से? एक किसान से जो तो पर्ची पे है जी, किसी की पर्ची 50 है, 50-50, 60 है, 60, वो तो पर्ची के हिसाब से जा, पर जो गन्ना घेर दिया उसका भुगतान का तो हक है किसान। कितने दिन भुगतान हो रहा था वो? कितने दिन भुगतान हो रहा? भुगतान तो यहाँ 6 महीने लगे नहीं होता पिछले साल, ये तो कह रहे थे 14 दिन में दिलवा देंगे, और 14 दिन महीने में भी दिलवा दें हम तो जब भी खुश हैं, महीने में दिलवा दें, 14 दिन को भी छोड़ दो। अभी आखिरी पेमेंट कब आई थी? आखिरी पेमेंट कब आई? पेमेंट अप्रैल का दिलो आया जी, पिछले ये जो 25 रुपये बढ़े हैं ये आया अभी तक? बढ़ के इसका तो पैसा भी नहीं आया जी, इसका तो पुराना भी नहीं आया, 300। अच्छा, मतलब जो नया पैसा बढ़ा है अभी हाल में सरकार ने, इसका तो कोई पैसा भी नहीं है ये, अभी इसका लाभ मिला नहीं, कोई लाभ नहीं है, पुराना नहीं मिला हम लोग को पैसा, ये ट्रैक्टर खा रहे का घंटे में 3 लीटर कहाँ से पैसा ले, एक भी नहीं मिला जी, कहाँ से लेवा है। पर आपके तो कहराना शामली के मतलब जो है नेता सुरेश राणा कर दिया, कुछ नहीं कर दिया, सुरेश राणा ने बंटाधार कर दिया यहाँ,
वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का सब क्लियर है। देख लो आप, चलना गाँव में आपको दिखा दूंगा, आपको चलो मेरे साथ, चलो गाँव में आपको दिखा, मैं तजर्बा ले लिया आप भी कैसे नाश किया जी, पैसा दिया किसान मंत्री हमारी जड़ में बैठा, हमारी जड़ में बैठा पूरा उत्तर प्रदेश का फायदा मिलना चाहिए। शामली मील में धरना रखा था पिछले साल, रखा था बंदा आया भी नहीं था, आया भी नहीं। अजीत जो जयंत जी आए थे उस पर भी उन्होंने गलत कमेंट करे, वोट के नाम के आगे क्या बोले, वोट कमांड के नाम के, अरे उसमें कुछ नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो आगे अगर सहानुभूति देगा चलो भाई हम थारी साथ है, उसके बाद भी यहाँ गए आए ही नहीं, ऐसी ऐसी करवा के चले गए थे आधे लोग। आप ही लोगों ने सरकार बनवाई 2017 होगी, गलती होगी, नहीं सुनो तो एक बात तो बताओ, हमें क्या पता, हम कह रहे अल्लाह मियाँ जब चूते होकर सींग देता तो पहचान हो जाती, इनका सींग तो व्रत के पता चला, हाँ, सींग हो जाओ कहने को तो बगल का चलियो भाई, अब व्रत के तो पता चले कैसे आते हैं, हम लगे अरे ऐसी कैसे करवानी, फिर अपनी शादी न करवाते, जयंती की शादी न करवाते, के नहीं था वो अपने उम्र थे, हम अपने फैमिली बोले उसकी शादी हम लोग, चलो भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम तीसरा मुद्दा ही नहीं है, पर वो हिंदू मुस्लिम करते हैं आप लोग मान क्यों जाते हैं, आगे बकाये में तो नहीं आने का जी, हम बिल्कुल नहीं बकाये में नहीं आने का, बिल्कुल नहीं आने का, इनका बकाये में नहीं आना, ना 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 भैया बता रहे अभी क्या होता है, यहाँ से उनसे पूछा संजीव वालियान से, कहने जी अगर आंदोलन होया, आंदोलन होया इसका कोई प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर, नहीं पड़ेगा, उसको बंद कर गाड़ी निकलवा दे, शीशा बंद कर रहे हो, अरे गाड़ी घर पर ही है, जगह तो है, लेडी चला रही गाड़ी, हाँ जाम भर गया, क्या बता रहे थे आप, हिंदू मुसलमान वाली में बात कर रहा था, बात क्या है, आप लोग आज क्यों जाते हैं बात पे, देते तो फिर उसी में जाके वोट, देखो बात है, सच बात है कि नहीं बताइए, हिंदू मुसलमान एक बार तो है, एक मिनट रुकिए, एक ही बात है, बात सुनिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिया कि नहीं दिया आप लोगों ने, एक बार दिया, आपका पूरी कोशिश कर रहे हैं दिलवा के देख लो, आपका पूरी कोशिश कर रही है, पिछली बार पहले क्यों फंसे, मैं तो कह रहा हूँ कोई पार्टी 15 लाख करोड़ों नौकरियां, 15 लाख करोड़ों नौकरियां, 14 दिन में पेमेंट नहीं, पेमेंट का ब्याज, 15 लाख वाली बात तो 2014 में की थी ना, 17 और 19 का उन्होंने ये बात कही थी, धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं बनता, चलो भाई एक बार मौका दे देंगे, एक बार और मौका दे कर देख लिया था, होया कुछ नहीं, सुरेश राणा मंत्री ने पैसा खा लिया, कैसे पता चलता है, जी हमें नहीं मिल रहा, कहाँ गया, जी हमें नहीं मिल रहा, कहाँ गया पैसा, कितना पैसा बकाया है, 1.5 लाख पिछले साल का, पिछले साल आपका कम से कम 1.5 लाख पिछले साल का बकाया, अच्छा जैसे पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा भाई साहब, किसानों को क्या जरूरत, ये लुक है मुझे दे दो, किसानों को ना दो, क्या कहे किसान का, 5000 का क्या, किसान मजबूर है, मजबूर कहाँ लेगा, जैसे मजबूरी में देना पड़े, भाजपा तो वोट देने का मकसद एक ही रहा, अब पिछली सरकार में कानून व्यवस्था ठप हो गई थी, आप इसके बारे में भी जानना चाहता हूँ, क्या था मामला, अखिलेश यादव में सबसे बड़ा जो आरोप लगता है उनकी सरकार जाने का, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त थी, लोगों का जीना, कानून व्यवस्था लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा था सर बताइए, हम कहाँ थी कानून व्यवस्था ध्वस्त, कहते राज नहीं हो, ये तो बात है, कानून व्यवस्था वही तो ध्वस्त थी, 100 नंबर बंद करवा दो अखिलेश की, राजनीति फिर चालू हो जाएगी, 100 नंबर किसने चलाई, 100 नंबर तो अखिलेश ने चलाई, बस पेट होना भैया फलियाँ खा रही, अपने कार्यकाल में संभाल नहीं पाए लोग कहते हैं अखिलेश यादव, अरे 6 महीने पे बाद में तो लास्ट में तो चली थी, अब पता लग जाएगा ना लोगों को, और उनकी सरकार मुजफ्फरनगर की बात होती है, कैराना या शामली की बात होती है, वैसे ही जो है मैं देखता हूँ धर्म की बात आ जाती है, हिंदू मुसलमान की बात आ जाती है,
ध्रुवीकरण की बात आ जाती है, पलायन की बात आ जाती है, पलायन का क्या मामला है? पलायन का कोई मामला नहीं है, हम शामली में रह रहे हैं, गांव हमारा पंडोरा है, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से आ गए, तो हम भी प्लान करके आ गए, हम भी प्लान करके आ गए क्या? अरे शामली शहर है, एजुकेशन मिला, बच्चों को पढ़ाई मिला, आदमी आ जाओ यहाँ से, कहाँ से प्लान हो रहा है? कुछ नहीं है, पलायन हो गया, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, पलायन नहीं हुआ हुआ जी, किस किस मतलब क्यों हुआ पलायन? वो इसलिए हुआ, अब व्यापारियों से दिन दिहाड़े या तो भाई पैसे दो और जिसने नहीं दी उसका मर्डर। कौन मांगता था? गुंडे मांगते थे, गुंडे मांगते थे, अब नहीं मांगते, नहीं अब नहीं मांगते, व्यापारों ने काम कैसे छोड़ दिया? ये बदलाव आया है, अरे जी सुनो तो, अभी सुनो, ये बदलाव आया जो है वो एक्सेप्ट करने में, एक्सेप्ट तो करेंगे, ठीक है, घर तो बना दिया शामली में, बिजनेस कराने में ही है, बिजनेस क्यों नहीं छोड़ दिया कराने वालों ने? शामली में कराने वालों ने घर तो बना दिया शामली में, बिजनेस क्यों नहीं छोड़ दिया? बिजनेस क्यों है? जैसे ताऊ कह रहे हैं कि पहले पैसा मांगते थे, अब नहीं मांगते, मुंडे बदमाश ना, ये नहीं मांगते, ताऊ बता मांगेंगे पैसे कभी? तो वोट किस मुद्दे पर जाएगा? ताऊ बता मांगेंगे पैसे? वोट किस मुद्दे पर जाएगा? जानकारी तो हमने भी तो है, अजय एक बात तो उसे मांगे क्या पैसे पास है? बताओ उन्होंने एक बात तो बाजार तो नहीं कही है, कराने वालों को ये उन्होंने तेरा बोला जा एक बात तो वे वहाँ बिजनेस कर क्यों करे जब इतनी दिक्कत थी उन्हें? शामली मांगा कितनी दुकान कर ली, क्यों बिजनेस नहीं कर लिया शामली में? छोड़ देते नहीं भाई, काम धंधा छोड़ के आने कहा इतना आसान? तो फिर भी क्यों क्या कर लिया भैया? एजुकेशन है, पढ़ाई है और कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, और प्लान कर दिया अच्छे अच्छे जा रहे। इन मुद्दों पर वोट पड़ेगा इस बार, पलायन और ये मुद्दे घेरने वाला घेर तो होगा, हम तो घेरने का नहीं, हमें तो शिक्षा चिकित्सा कृषि भाजपा जो है ना, भाजपा का ये मुद्दे और कुछ नहीं है, प्राथमिकता रहेगी कि उसने कानून व्यवस्था ठीक करी है, बल्कि किसान के हित में तो इतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन कानून व्यवस्था में नंबर एक इस तरह का हमें तो पता लगा, तैयार कैसे हुई व्यवस्था, बनी कैसे वो तो पता लगे, क्या चीज नहीं आज, अरे भर्ती निकलने से पहले तो लेकिन कैंसिल हो जा, आज कहीं भी चले जाओ, यहाँ से झोटा बुग्गी लेके गए, रास्ते में झोटा खोस लिया, ट्रैक्टर ट्रैक्टर टोली तक खोस लग रहे थे, आज आदमी सुरक्षित है, ये इसी सरकार की देन है। कैसे हो? मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने सुरक्षा वाली भावना की बात की कि आदमी सुरक्षित है, ट्रैक्टर कोई रोकता नहीं है, है ना, मगर दूसरी तरफ आप किसान के तौर पे बोल रहे हैं कि पेमेंट रुकी हुई है साल बार से, डेढ़ साल से, डेढ़ डेढ़ लाख रुपए आप लोग बता रहे हैं फंसा हुआ है, वोट किस मुद्दे पे पड़ेगा? सुरक्षा के मुद्दे पे पड़ेगा, ये जो पैसा फंसा है सर, बताइए, चिकित्सा शिक्षा सुन लेंगे, उसमें वोट जो जाएगा ना, ज्यादातर प्राथमिकता जो कानून व्यवस्था ठीक हुई ना उस मुद्दे पे ज्यादातर वोट देंगे लोग, किसान मेरा अपना मान ये देते होंगे ना, इनके अपनी मन है, ये इनका मन है अपना, मतलब इस बात पे किसानों में बटवारा, किसानों का नहीं अपना किसी की, एक जुट नहीं है मामला, मतलब बटवारा है, क्योंकि कुछ कुछ लोग, कुछ लोग कानून पे देंगे, कुछ लोग पेमेंट पे देंगे। भाई साहब एक बात तो, इनका ट्रैक्टर लेकर चले, आप भी ट्रैक्टर लेके आए? यहाँ से शामली से कैसे चले जाओ? कूपन रस्ते है, ऐसी बात नहीं, हमारा गाँव पंडोरा फटे ऊन, हमारा शुगर मिल है, शायद इन्होंने देखा या नहीं देखा, उनकी स्थिति ऐसी है रस्तों की, आप पैदल नहीं चल सकते, पैदल नहीं चल सकते, आज तक वहाँ से एक ट्रैक्टर नहीं घुसा, एक झोटा बुग्गी नहीं घुसा, आप दिन में नहीं जा सकते, ऐसा बैकवर्ड इलाका है वो, यहाँ से कैसे घुस गया ट्रैक्टर? एक रिपोर्ट आज तक अखबार में दिखा दो ट्रैक्टर घुसेगी की, एक रिपोर्ट दिखा दो ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर घुसेगी रिपोर्ट कराना रोड पे 3 किलोमीटर चल कर नहर से पल्ली तरफ झोटा खोस लिया था हमारे गाँव का जगनपुर का, अब नहीं होता, अब ठीक है भाई साहब, 100 नंबर चाहिए हर जगह, 100 नंबर है, किसकी देन है 100 नंबर? जिस दिन 100 नंबर घर में बैठा लोगे पता लग जाएगा, फिर खुशेंगे 100 नंबर किसने चलाई। तो ये है नौजवान किसान, ये है बुजुर्ग किसान, और जो मतभेद नजर आ रहा है जिन मुद्दों पर, वो साहब आपके सामने है, भाई साहब कह रहे हैं कि पेमेंट फंसा हुआ, पर वोट जो है वो कानून व्यवस्था के नाम पर देंगे ये भाई साहब, ये बुजुर्ग किसान, इनका कहना है कि कृषि चिकित्सा शिक्षा पर वोट देंगे, गन्ना पेमेंट फंसा हुआ उस बात पर वोट देंगे, संशय है, साफ स्थिति नहीं है। शामली में हम निकल रहे थे, शामली से हम कराना जाएंगे, लाइन से ट्रैक्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे एक गन्ना मिल है, वहाँ पर गन्ना देने आए हैं, पेमेंट की बात करने आए हैं, सुरेश राणा जो गन्ना मंत्री, उनके बारे में बात की, लोग साफ बता रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कि वो पैसा खा गए, सच क्या है तो गाँव में तक नहीं घुस रहे हैं, गाँव में तक नहीं घुस रहे, गाँव तक नहीं घुस, अजी घुस के दिखा दो कोई घुस रहा, कौन घुस रहा है गाँव में, नहीं घुस पा रहे मंत्री जी, नहीं जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं।
लेकिन विरोध उसका भरपूर है, विरोध भरपूर है, विरोध भरपूर है उसका। और इसी मुद्दे पे उसने अपने जनपद की मिलों का भी ध्यान नहीं दिया, अपनी जनपद की मिलों का भी ध्यान नहीं दिया। तो ये हाल है शामली का। शामली मेन शहर है, पीछे हनुमान टीला है, हनुमान जी का मंदिर है, काफी फेमस है यहाँ शामली में। बाकी किसानों का क्या हाल है लगातार हम देख रहे हैं, बताते रहेंगे आप। कल्लन टॉप देखते रहिए। शुरुआत इस वीडियो की थी हमारे साथी जेरी ने। बड़ा अच्छा लगता है जब आपका कैमरा पर्सन इतना काबिल हो कि वो एक वीडियो की शुरुआत कर दे और अंत आप कर दें आके। क्या बात है जेरी जी, शुक्रिया।